सो हैलो ईफान गाइसर महादेव राधे राधे कैसे आप सभी लोग गाइज आई होप आप सभी लोग अच्छे होकर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे सगाई सितंबर मंथ की फुल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी आज की रीडिंग के बाद ओके okay? सो so, आज हम कर रहे हैं जमेनाय राशि के लिए मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये सितंबर मंथ ओके सितंबर 2024 ट्वेंटी फोर नाइन्थ मंथ भी आ चुका है गाइज एंड यस देखो पाँच छः दिन तो निकल ही गए हैं सो so एनीस देख लेते हैं जेमेनाई मे जिनके भी मिथुन राशि आती है सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड में उनके लिए कैसा रहेगा ये सितंबर का महीना ओके okay? सितंबर मंथ फॉर जेमेनाइज कैसा रहेगा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ पहले <coughs> बाकी गाइस रीडिंग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को दबा बाकी ऑल पे सेट कर देना अगर आपको लगता है पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको डेफिनेटली आप ले सकते हो पर्सनल रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का सॉरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप लोग ऊपर अबाउट सेक्शन से भी देख सकते कि अगर आपको कोई क्रिस्टल लेना है आप ले सकते हो ठीक है कोई भी आप इंस्टाग्राम पे ही मुझे डीएम कर देना कोई अपना इश्यू बता देना डेफिनेटली मैं उसके बाद रेकमेंड कर दूंगी आपको कौन सा लेना चाहिए सो यस स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जयमेन आई मिथुन राशि कैसा रहेगा आपका सितंबर का ओके थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए वेट ओके okay, कैसा रहेगा सितंबर मंथ आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे ओके मिड ऑफ द मंथ कैसा रहेगा जेमेनाई राशि वालों के लिए फोर ऑफ वार्ड ओके जी द लवर्स कार्ड है यहाँ पे जेमेनाइज आपके लिए एंड ऑफ द मंथ कैसा रहेगा सो टू ऑफ शोर्ट्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है आपके लिए बॉटम ऑफ डेक गाइज यहाँ पे द मून कार्ड मिडल ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स ओके सो यहाँ पे गाइज आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल ये मंथ ओके okay? सबसे पहले तो पेज ऑफ कप्स है नीचे बॉटम ऑफ डेक मिडल ऑफ द डेक और बॉटम ऑफ द डेक द मून कार्ड आया है बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं इस महीने में ओके जेमेनाइज बहुत सारे सीक्रेट्स बहुत सारी छुपी चीजें आपके सामने आ जाएंगी ओके छुपी हुई आपसे बातें आपके सामने आएंगी एंड अगर किसने आपके पीठ के पीछे कुछ बातें की हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी आपने अगर किसी के से कोई सीक्रेट रखा है आपने अगर किससे चोरी छिपे कुछ काम किया है वो भी सामने आ जाएगा ओके मैं ये भी आपको बता दूँ जमेनाइज आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफर देने दे देने के लिए आपका बेटा हो सकता है छोटा या फिर आपका जमाई राजा हो सकता है या कोई भी मेल एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में आपके पार्टनर हो सकते हैं जो थोड़े मेचर एनर्जीज में है वो ऑफर दे रहे हैं कुछ ना कुछ ठीक है आपको ऑफर किया जा रहा है उनका इमोशंस वाला कप आपके लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस महीने में होके पूरे सितंबर के और ऑल्सो यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है आपको पता लग रहा है पहले ही टाइम से कि अब ये होने वाला है अब ये होने वाला है ओके पाइसेस साइन और कैंसर कैंसल स्कर्पाइस महीने में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट राशियाँ दिख रही हैं सो so यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैसा रहेगा थ्री ऑफ सोल्ड और सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जिज आई हैं कहीं ना कहीं पास्ट के लोग आपको याद आ सकते हैं आपके जिनसे आपका बहुत अच्छा रिश्ता था पहले ठीक है उसकी वजह से आपको हर्ट हो सकता है आप अकेला फील कर रहे हो उसकी वजह से हर्ट हो सकता है कहीं ना कहीं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है हर्ट की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे ठीक है कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर सकती है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही मतलब यहाँ पे हो सकता है न्यू मून की वजह से भी ये एनर्जीज हुई हूँ आपके साथ ठीक है और यस आपके लिए ये भी एनर्जीज दिख रही हैं कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ कप्स आपकी सोल मेट आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं सोल फैमिली आपकी यहाँ पे आपको साथ आपके साथ आते हुए दिख रही है ठीक है पास्ट से मतलब पिछ कोई पीछे मतलब मतलब पास्ट में जो आपकी लाइफ अभी बीती है उसमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा था वो यहाँ पे आपके आस पास आते हुए दिख रहे हैं लोग ओके सो कैंसर स्कॉर पाइस पाएस जमेनाइल ब्रेक वेलि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे ओके आप आते हैं गाइज आपके मेड ऑफ द मंथ पे ये हैं फोर ऑफ वॉर्नस कार्ड और लवर्स कार्ड ओके सो यस आपके लिए यहाँ पे मैरिज दिख रही है किसी की शादी अटेंड कर सकते हो कोई फंक्शन हो सकता है उसको अटेंड कर सकते हो शादी की बातें हो सकती आपकी या किसी की ठीक है मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है मैरिज का ठीक है और ऑल्सो यहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड रहने वाली हैं आप अपने इन और यांग मतलब ना आपको गुस्सा आ रहा है ना ही आपको कुछ फीलिंग मतलब होता है ना कि ना गुस्सा आ रहा है ना प्यार आ रहा है बस नॉर्मल न्यूट्रल फीलिंग्स आपके अंदर रह रही हैं ठीक है सो ऐसा इस मिड मंथ में रहने वाला है बहुत बैलेंस में रहने वाले है और सबको ऐसे ही रहना चाहिए है ना ज़्यादा हैप्पी हुपी भी नहीं होना चाहिए नॉर्मल रहो कि सो so ऑल्सो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है एंजल्स प्रोटेक्शन दिख रहे हो अगर आप किसी लव love, लवर के साथ हो अपने लव लाइफ आपकी इंजॉय कर रहे हो ठीक है मिड ऑफ द मंथ आपकी शादी की बातें आपकी शादी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की ठीक है मिड ऑफ द मंथ में बहुत सारे लोगों की शादी भी यहाँ पे दिख रही है मिड ऑफ़ द मंथ में और एंजल्स प्रोटेक्शन आप दोनों को आशीर्वाद दिया जा रहा है भगवान की तरफ से सो so, जेमेनाई और एरी स्ल्यू सजिटेरियस मिड ऑफ़ द मंथ के लिए आपके लिए राशियाँ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अब आते हैं आपके एंड ऑफ द मंथ पे टू ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की एनर्जीज यहाँ पे हैं सो so, ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप कहीं कन्फ्यूज हो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर आते हुए दिख रहे हो ठीक है आपका माइंड इनस्टेबल फील कर सकता है क्योंकि यहाँ पे न्यू मून है ना इस टाइप सॉरी फुल मून की एनर्जी इस टाइम पे आ रही है पंद्रह से बीस तारीख के बीच बीच में तो उसकी वजह से हो सकता है ये बट हाँ आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी फील करने वाले हो आपकी पार्टनर अगर आपके साथ है तो बहुत अच्छा उसके साथ आप टाइम बिता रहे हो आपको पता लग रहा है कि यस शी इज़ माई वाइफ नाउ ही इज़ माई हस्बैंड नाउ मतलब ऐसा कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे आपके अंदर भरते हुए दिख रहे हैं आप बहुत स्टेबिलिटी फील करने वाले हो आपको जॉब मिल गया आपको जॉब मिल सकती है इस टाइम पे यहाँ पे रेबिट है बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है मनी रिलेटेड ओके सो जेमेनाय लिब्रेक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ये राशियाँ आपके लिए एंड मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ओके एंड ऑफ द मंथ सो so, यहाँ से देख लेते हैं गाइस क्या एनर्जीज़ आ रही हैं फुल मंथ में आप कैसा फील करने वाले हो क्या एनर्जीज आपके अंदर रहने वाली हैं इस ओवरऑल मंथ में ओके जी विक्ट्री गाइस कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन में ऐसा फंसे हुए थे आपको विक्ट्री चाहिए थी आपको विक्ट्री मिल जाएगी आप जीत हासिल करते हुए दिख रहे हो ठीक है आपको विक्ट्री मिलते हुए दिख रहे हो आपको पता लग गया कि भाई हाँ हो गया अब मैं जीत गया हूँ इस चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं आपके माइंड आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कर सकते हो यहाँ पे मैरिज की भी एनर्जी दिख रही है क्राउन है यहाँ पे शादी दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हो या फिर हो सकता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल केस में आप फंसे हुए थे वहाँ से बाहर आते हुए दिख रहे हो आपको जीत हासिल होगी उसमें ठीक है या फिर आप कोई लॉयर की स्टडी कर रहे हो आपका एग्जाम था आपने क्लियर कर लिया वो ऐसी कुछ एनर्जी आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिख रहा हो कि आप जीतते हुए दिख रहे हो बस आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो आपके इमोशंस और फीलिंग्स बहुत बैलेंस रहने वाले हैं इस मंथ में छ नंबर दस नंबर अट्ठाइस नंबर नाइन थर्टी सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो भी इस मंथ में न्यू मून आने वाला है मतलब वो तो निकल चुका है बट हाँ उसकी वो एनर्जीज क्या लेके आया था आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आया था वो वो देख लेते हैं जेमेनाइज ओके सो यहाँ वर्ड ऑफ कोर्स मून है नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन सो कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन के बाहर नहीं आने वाला है मतलब नेगेटिविटी यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रही है पॉजिटिविटी दिख रही है फुल मून आपके लिए क्या कहना जिसलिए क्या है सो डेंट डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक सो फुल मून जो है ना वो कुछ पास्ट की बातें आपको याद करवा सकता है सो so, आपको कहा जा रहा है भूलने की कोशिश करो पास्ट की चीज़ें याद करने की कोशिश ही मत करो ना ही पास्ट को अपने आप को खींचने दो अपनी तरफ ठीक है साउथ नोड आपका केतु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह दिख रहा है क्योंकि पास्ट की चीज़ें केतु ही शो करता है और ओवरऑल मंथ में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज गाइस न्यू मून इक्लिप्स है यहाँ पे चंद्र ग्रहण ओके okay? सो so यस yes, यहाँ पे अमावस्या पे ग्रहण नहीं लगता जो वो यहाँ पे दिख रहा है सो so एक्सपेक्ट करो पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में इस फल मंथ में आ सकता है कोई ना कोई बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है कोई जॉब मिल गई एकदम से अच्छी पोजिशन पे अच्छी सैलरी पे कोई आपको मतलब ऐसा हो सकता है पॉजिटिव आपके सब कुछ हो गया आपकी शादी होगी एकदम से सो यहाँ से क्या एनर्जीज है ओके सो so, यहाँ पे हॉरस आए हैं कॉस्मिक गेटवे की एनर्जी है आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल बनते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में ओके okay? आप जो भी सोचोगे वो हो जाएगा सो so, मेरेकल्स होने वाले हैं मेरेकल्स चेंजेस आर अकरिंग फॉर यू ओके अच्छा सोचो पॉजिटिव सोचो शादी होगी मेरी मतलब ऐसे सोचो अगर आप चाहते हो किसी के साथ शादी करना अगर आप चाहते हो मुझे जॉब मिलनी है जॉब मिल जाए आपको घर खरीदना है घर की बातें कर रहे हो यस yes, आपको मिल जाएगा फ्यूचर के बारे में सोचो कि यस yes, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा पॉजिटिव सोचो और वो हो जाएगा ओके सो द होली स्पिरिट की एनर्जीज हैं यहाँ पे सो एक्सपेक्ट करो मेरेकल्स रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल सो याद रखो प्यार एक सच्ची भावना है प्यार ही रियल है मेरेकल्स विल अकड़ नेचुरली मेरेकल्स आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे और स्पिरिट हैज़ योर बैक सो स्पिरिट आपके साथ हैं ओके सो गाइज एनी वेज लाइक दिस रीडिंग सब्सक्राइब टू दिस चैनल कैसी लगी आपको रीडिंग और अपने सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड को देखना मत भूलना आप चेकआउट कर लीजिए चैनल पे डाला हुआ है सब कुछ अभी के लिए इतना ही हर है महादेव राधे राधे गॉड ब्लेस यू एवरीवन पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेने को क्रिस्टल बाय करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना ओके सो बाय गाइस